तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे नोट्स। आज की इस वीडियो में हम फिर से खेलने वाले हैं मल्टीक्राफ्ट। और गाइस, इतने दिनों बाद आज मैं फिर से अपना 33वां एपिसोड, मतलब फिर से नहीं 33वां एपिसोड लेकर आया हूं। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, हम स्पॉन हो चुके हैं अपने वर्ल्ड में। और गाइस, आज मैं बताता हूँ करने क्या वाले हम। तो गाइस, आज मेरे मन में सच्ची में इतना खतरनाक आइडिया आ रखा है, मतलब इतना भयंकर आइडिया है तुम लोग सोच ही नहीं सकते, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो आज मेरा मन हो रहा है माइनिंग करने का, और छोटी मोटी माइनिंग नहीं, इतनी हैवी माइनिंग जो कि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी। अब देखते हैं हैवी हो भी पाती है कि नहीं हो पाती, मैं कर पाऊँगा इतनी कि नहीं। और वैसे मैं माइनिंग किस लिए कर रहा हूँ ये तुम्हें अभी नहीं पता चलने वाला है, ये पता चलेगा थोड़े टाइम बाद, वो तुम लोगों को अपने आप ही पता चल जाएगा, मैं कुछ टाइम में बता दूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ माइनिंग करेंगे, और दूसरी वीडियो में जो मुझे करना है मैं वो करने वाला हूँ। तो गाइस, ये मेरा एपिसोड नंबर कितना, मैंने अभी 33 बताया, हाँ तो ये मेरा नंबर 33 होने वाला है। तो हाँ गाइस, अब खोदना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्योंकि तुम्हें तो मालूम है बाहर से तो मतलब कोई दूसरा रास्ता निकल जाएगा काम काम में। तो ज़्यादा गहरा नहीं खोदने वाला हूँ। अबे ये वाली सेंड है वैसे, मुझे यही लग रहा है। हाँ भाई, सेंड मिल रही है, ले लो जितनी मिल रही है ले ले रहा हूँ। बहुत काम की सेंड है ये वाली, बहुत कम मिलती है। अबे बहुत लग रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा है। तो भाई, इस सेंड की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैं पहले ही तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। तो भाई, मैं इस जगह को ज़्यादा नहीं खोद रहा, मेरा मन कर रहा है अगर मैं कुछ ज़्यादा खोद लूँगा तो फिर बनाऊँगा कहाँ पर वो जगह जो मैं सोच रहा हूँ। उसके लिए मुझे कम से कम 4 हाइट की तो ब्लॉक चाहिए ही चाहिए, 4 हाइट की तो होनी चाहिए, तभी ऐसा अच्छा लगेगा कि हाँ हकीकत में कोई चीज़ बनी भी है। तो बस 4 मतलब हाइट का बना रहा हूँ, 4 या फिर 5 रहने देंगे, काफ़ी है, काम ख़त्म। तो आज भाई सच्ची में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, मैं सोच रहा हूँ पहले इनको भी तोड़ ही देता हूँ, कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है ऐसे। तो एक काम कर रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ और एमरल की बना के ला रहा हूँ, तब अच्छा है, तब मज़ा आएंगे। तो चलो चलते हैं। आयरन की तो मैं वैसे भी बनाते ही रहता हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने बनाई है आयरन की, तो मतलब थोड़ी मतलब कुछ टाइम पहले मेरा मन एक चीज़ बनाने का था, तो मैंने स्टोन अपने मतलब स्टोन फार्म है ना, उस पर मैंने बहुत मेहनत की, एमरल की बना ले रहा हूँ, ये बहुत अच्छी है। गोल्ड तो मुझ पर है नहीं, गोल्ड की तो बस एक शॉट रह गई है, नहीं एक ही बना रहा हूँ, काम ख़त्म, कोई ज़्यादा काम नहीं आएगी ना, बस उसी के काम आएगी। और मैं फिर इसका क्या करूँगा तुम लोगों को मैं अभी बताऊँगा, मतलब अगर ये वाली मेरी ख़त्म हो जाएगी शॉट तो भाई मल्टी क्राफ्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ मिलती है इसमें एक तो। ओ भाई स्पीड चे, ये सही है, अब आएंगे ना मज़ा तो माइनिंग करने में। तो एक टॉर्च यहाँ पर लगा के इसको तोड़ देता हूँ फिर से। तो भाई, मुझे अभी कोई इफेक्ट मिला है, ये देख रहे हो ये लिखा हुआ पता नहीं क्या है, योर टूल एमरल पिकैक्स गॉट ए न्यू टूलेबल, मतलब अच्छी चल रही है, मतलब अच्छी चलेगी शायद से, ये तो कभी अच्छा चला ही नहीं, मतलब बहुत मतलब 2-3 पिकैक्स से ख़त्म, मतलब क्या कहते हैं उनको, सवल ख़त्म कर ली मैंने, पर पता नहीं कभी अच्छी चलेगी भी कि नहीं चलेगी, पता नहीं। आयरन की ख़त्म की है, मैं सोच रहा हूँ अब एमरल की बना लूँ सबरी, मतलब एक बार मुझे ना ज़्यादा सा डायमंड मिल जाए ना, काम हो जाएगा अपना अच्छा खासा, बस।
तो गाइस देख रहे हो तुम लोग, मैंने कितना सारा भाई साहब कितना खोद रखा है अभी तक। मैं अभी अभी मैं वो भाई मतलब अभी भी और खोदना है। अभी मैं सोच रहा हूँ ये वाली बॉल एक एक और पीछे कर दूँ, क्योंकि इन्हें एक और मुझे गैप चाहिए। मतलब जो मेरा मन में चल रहा है ना, वो वैसे इस वीडियो में तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि फिर तुम लोगों को पता ही चल जाए। भाई हमारी पिकैक्स हो चुकी है 3 लेवल की अभी अभी, तो भाई अब देखते हैं स्पीड। अबे स्पीड तो वही है कि ये तो नहीं दिखा रहा कि खत्म होती जा रही है भाई। तो गाइस तुम लोग देख सकते हो, अब मैंने इतना भाई साहब खोद लिया और जो मेहनत लगी है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया इसको खोदने में। तो अब मैं बताता हूँ अब मुझे क्या करना है। अब मुझको एक एक ब्लॉक और नीचे खोदना पड़ेगा, ये मुझे लग रहा है थोड़ा नीचा है, तो मैं खोद लेता हूँ एक एक और ब्लॉक। तो भाई सीधे सीधे खोदते चलते, बहुत ही आसानी होगी खोदने में, है ना एकदम मस्त। तो देखो हमारी पिकैक्स हो चुकी है 4 लेवल की, तो अभी भी ये उतनी ही तेज काम कर रही है। मतलब शुरू में 1% बढ़ा था बस, अब उसके बाद नहीं, उसके बाद तो यही काम कर रही है, पर अच्छी कर रही है भाई साहब। एमरल के ही सारे मतलब बनाऊंगा मैं, सब कुछ एमरल का बनाऊंगा। तो चलो फिर से वीडियो फास्ट कर देता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा भर गई है, कुछ भी बटोर नहीं पा रहा हूँ। तो भाई अब मैं जाता हूँ ऊपर और अपनी इन्वेंटरी को करके आता हूँ खाली। तो चलो अब चलते हैं और इन्वेंटरी पूरी खाली करके आते हैं, उसके बाद देखते हैं और कितना सारा मतलब कवाड़ा उठाना है अपन को अभी भी। तो भाई इस वीडियो में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो उसके लिए गाइस सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और ये वीडियो भले ही तुम लोगों को पसंद ना आए, पर पसंद आएगी चौनी, मतलब इतनी ज़्यादा मतलब मेहनत किया भाई, पसंद आनी चाहिए। ओ भाई साहब स्टैक के स्टैक भर गए अपने, देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो भाई इतना सारा। तो भाई अब मैं ऊपर इन्वेंटरी में रख देता हूँ, उसके बाद फिर से जाना है अभी तो अपन को, तो फिर से उठा के लाएंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, दिमाग ख़राब हो रहा है वो तो। तो गाइस इतना सारा कुछ हमको मिला है और ये 2 स्टैक हमको सेंड भी मिल गई हैं, 2 स्टैक नहीं पर लगभग 2 हो जाएंगी अभी अभी, थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा अपन को, सोई हो जाएंगी। और इस वाले में मैं सेंड किस वाले में, शायद इस वाले में, तो सेंड अभी रखवा देता हूँ अभी के लिए। मुझको अभी फिर से ऊपर आना पड़ेगा ना मुझे कुछ सामान बनाने के लिए, तो और देख लेता हूँ और क्या है और एक्स्ट्रा, जैसे कि यहाँ पर सेंड है मेरे पास रखी हुई। बस दोबारा से चलते हैं अब फिर से। और भाई रात हो रखी है, तुम लोग देख सकते हो अभी भी नहीं, रात होने वाली है, पर हमें रात से क्या मतलब, हमें तो बस अपना काम जारी रखना है। तो गिरने पे कितना लगेगा, कुछ भी नहीं। चलो अब ये करते हैं। अबे जिन्ने तो पूरा घंटा लग जाएगा वैसे तो। तो भाई मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। अबे यार नौटंकी कुछ ज़्यादा होती है अपने साथ। मैं सोच रहा हूँ एक और बना के लाए ना एमरल की, उसको क्या कहते हैं, अरे याद नहीं आ रहा, सवल एक और बना के लानी पड़ेगी। तो चलो अभी बना लेता हूँ मैं फास्ट एकदम। हाँ तो गाइस अब आज की वीडियो में इतना ही था। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने इतनी मेहनत की है भाई, इसके लिए 1 सब्सक्राइब तो बनता है, तो भाई तुम लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और हाँ गाइस बहुत सारे लोग अपने अकल के घोड़े दौड़ा रहे होंगे, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये कोई मतलब मेरा सीक्रेट बेस नहीं होने वाला है। पर हाँ गाइस सीक्रेट बेस की भी जल्दी से एक वीडियो आने वाली है, पर अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आने ही वाली है।
तो उसके लिए तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना। और भाई ये वाला जो इतना बड़ा खुदा हुआ है ना ये अपना प्लॉट, तो इसके लिए मेरे पास जो खुरापाती आइडिया वो तुमको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और मुझे लग रहा है एक वीडियो में नहीं बन पाएगा, जो मेरा आइडिया है ना वो एक वीडियो में नहीं बन पाएगा। मुझे लग रहा है और एक और बनानी पड़ेगी, दो वीडियो बनानी पड़ेगी। तो गाइस ये वीडियो सच्ची में कितनी बड़ी होगी तो देखो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। भाई ये वीडियो 29 मिनट से भी ऊपर हो चुकी है। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था। तो गाइस वीडियो तो तुम लोगों को पसंद आई ही होगी, मैंने इतनी मेहनत की है वो तुम लोगों को दिखाया। और भाई सच्ची में मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोग मल्टीक्राफ्ट खेलते हो तो तुम लोगों को मेरे हिसाब से ये वाली डायमंड की नहीं एमरल की चीज़ें बना लेनी चाहिए, क्योंकि भाई इतनी बेस्ट चीज़ है। पर भाई एक चीज़ के बारे में तुमने सोचा, मैंने इतना मेहनत किया, मतलब इतनी मेहनत की मैंने, पर मुझे एक टुकड़ा आयरन का नहीं मिला, एक टुकड़ा। भाई कितने घटिया लोग हैं ये लोग, सच्ची में गाइस बहुत ही ज़्यादा बेशरम लोग हैं। तो हाँ गाइस अब मैं बताता हूँ कि और मुझे अब क्या करना है। आज की वीडियो में वैसे इतना ही था, पर थोड़ा बहुत और दिखा देता हूँ तुम लोगों को कि मुझे और आगे क्या करना होगा इस वीडियो को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले तो सोना होगा, वो सबसे मेन है। उसके बाद मैं सामान रख के थोड़ी देर में मिलता हूँ तुमसे। हाँ तो गाइस अब बताता हूँ कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे जाना होगा अपने ट्री हाउस में, क्योंकि ट्री हाउस में मैंने थोड़ा सा कांच रखा था। वैसे तो मेरा सारा कांच पता है कहाँ पर है, नहीं बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगा कि पानी वाले हाउस में नहीं, मैंने दिखाया तो है नहीं रखते हुए कभी। पर हाँ पिछली बार मैंने बहुत मेहनत की थी भाई, बहुत ज़्यादा ही पानी के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा की थी। तब मैंने जब पानी वाला हाउस बनाया था, और जिन लोगों ने पानी वाले हाउस की वीडियो नहीं देखी तो वो लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। हाँ चैनल पे जाके तो उस वीडियो में से देख लेना। और भाई कांच मेरा यहाँ से तो सारा ख़त्म हो गया, अब मुझे लग रहा है कि जाना पड़ेगा, मतलब जाना क्या पड़ेगा, पानी वाले हाउस में जाना पड़ेगा। तो आज मैं नहीं जाने वाला, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हो गया। तो मैं सोच रहा हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में चलने वाले हैं अपन फिर से, किसी नेक्स्ट वीडियो में क्या मेरा नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आने वाला है, क्योंकि भाई उसमें भी मुझे ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा हूँ एक साथ पूरे पूरे स्टैक रख देता हूँ फर्नेंस में, और काम ख़त्म करते हैं आज की वीडियो का। तो एक और स्टैक काम ख़त्म। इन फर्नेंस में कुछ है नहीं बेचारे, कब से खाली पड़े हुए हैं, बहुत टाइम हो गए इनको खाली पड़े। तो एक मैं कॉल रख देता हूँ, दूसरे में वुड रख देता हूँ, और तीसरे में भी वुड रख देता हूँ। और कॉल हमारा फिर से बच चुका है, तो फिर मैं ऊपर लगा के आता हूँ कॉल को, और फिर कहते हैं वीडियो को एंड। तो हाँ गाइस इतनी बड़ी वीडियो होने के बाद, मतलब वैसे तो एडिटिंग से मैं काट दूंगा, बहुत सारी काट दूंगा, तो कोई बात नहीं। तो गाइस आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे माइनिंग करके, और मुझे पता भी चल गया कि एमरल के टूल बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नहीं वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू टुमारो।